पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान किया गया है। इतना परेशान किया गया है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पर चल रही हूँ, इतनी मेरी मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, फ़ोन करके धमकी देते हैं, जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, सीधे कह देते हैं नेतागिरी दिखा रही हो। मैं एक बार वार्निंग, फोन पे क्या धमकी देते हैं आपको? किसी की धमकी देते हैं। मैं एंटी डिप्रेशन की दवाएं लेके सो रही हूँ, जगती हूँ तो कॉल आती है, फिर इस तरह से मुझे धमकी देते। आपको धमकी कौन देता है? प्रबंधक। इससे पहले भी बहुत बार धमकी दिया है, इतना धमकी दिया है कि 2011 से लेके 2018 चल रहा है, 8 सालों में कब की सुसाइड कर ली होती, पता नहीं क्यों बच जा रही है। ये इंडियन गर्ल्स स्कूल की कुछ जो महिला शिक्षिकाएं हैं, ये हम लोगों के पास आई हुई थी। उनका कहना था कि जो कॉलेज प्रबंधन है और प्रधानाचार्य हैं, ये दोनों उनका विभिन्न प्रकार से शैक्षिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न करते हैं, उसमें कई प्रकार की शिकायतें हैं। और वो इस तरह की भी हैं कि वो संडे के दिन भी, अवकाश के दिनों में भी बुलाते हैं स्कूल में और छुट्टियाँ नहीं देते हैं। तो उसके लिए खैर हम लोगों ने जो इनके शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको रेफ़र कर दिया है। और बाकी उनके जो कुछ इस तरह से था जिसमें उनका ऐसा लग रहा था कि उनको वो छेड़खानी के स्तर तक जा रहा था मामला, वो हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया, कोतवाली में विवेचना हो रही है और इसमें साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत जल्दी की जाएगी। और जो उनको उनके बाकी समस्याएं हैं उसके लिए वो सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू डीएम साहब को और डीआईओ को अप्रोच कर रही हैं।